हमने देखा ट्रांसफार्मर का जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के तौर पर यूज होता है, वो जहां पर हमें लगातार लोड में वेरिएशन मिलता है, इट इज ऑन द स्टेप डाउन लेवल, वहां पर लोड कम ज्यादा 24 घंटे होता रहता है। उस केस में आयरन लॉसेस तो ट्रांसफार्मर में 24 घंटे होते हैं। एक बार सप्लाई दिया, देयर वुड बी सेटिंग अप अ फ्लक्स इन द कोर और आयरन लॉसेस वुड बी फिक्स थ्रू आउट। बट लोड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर लॉस एंड द लोड कंजम्पशन वो वेरी करता है और उस वजह से नॉर्मल एफिशिएंसी से काम नहीं चलता। वी हैव टू कैलकुलेट ऑल डे एफिशिएंसी और उसके लिए जितने घंटे जो लोड है उस वेरिएशन को हम इंक्लूड करते हैं और इसलिए एफिशिएंसी का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। तो हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि बेस्ड ऑन ऑल डे एफिशिएंसी है। तो न्यूमेरिकल कहता है अ लाइटिंग ट्रांसफार्मर रेटेड एट 10 KVA। ट्रांसफार्मर रेटिंग इज 10 KVA एंड इट्स फुल लोड लॉस आर 0.3 kW, जो कि इक्वली आयरन लॉस और कॉपर लॉस से बने हुए हैं, माने कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन है जहाँ पर 0.3 kW इज इक्वल टू पी आई एंड पी कॉपर सम। ओके, सो नाउ ड्यूटी साइकिल स्टेट्स व्हाट, कि फुल लोड पर ट्रांसफार्मर कितनी देर काम कर रहा है, 4 आवर्स, हाफ फुल लोड पर 5 आवर्स और नो लोड पर बाकी समय। तो 24 घंटे के साइकिल में 9 आवर्स ट्रांसफार्मर इज लोडेड वाइल 15 आवर्स इट इज कैप्ड ओपन सर्किटेड टाइप्स या नो लोड टाइप। तो इस केस में अगर लोड यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल डे एफिशिएंसी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लोड ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। ओके, सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द आर वाइज कंजम्पशन ऑफ लोड। सो फर्स्टली वी हैड फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर 4 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर का किलोवाट आवर वुड बी 10 × 1 यूनिटी पावर फैक्टर इंटू 4 आवर्स। सो दिस इज गिविंग अस 40 kW। और दूसरा हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन है 5 आवर्स के लिए हाफ फुल लोड। तो फ्रॉम हियर वी गेट आउटपुट पावर एज किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 10 × 1/2 लोड। यूनिटी पावर फैक्टर है, डोंट हैव टू बदर अबाउट दैट, 5, सो दिस गिव्स अस 25 kW। तो टोटल पावर कंजम्पशन वुड बी 40 + 25, दैट इज 65 kW। सो ये तो हमें आउटपुट पावर मिल गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिए हैं जो कि बराबर है, पी आई इज इक्वल टू पी कॉपर इज 0.3 kW डिवाइडेड बाय 2, सो दिस गिव्स अस 0.15 kW ईच वन। तो आयरन लॉस तो 24 आवर्स में कितने होंगे, 0.15 × 24 आवर्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, सो इट गिव्स अस 3.6 kW। वाइल कॉपर लॉसेज आर वेरिंग एंड विद द लोड वेरिएशन, तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले 4 घंटे के लिए यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ फुल लोड है तो इट वुड बी लाइक दिस, और दूसरे 5 घंटे के लिए ये वेरी कर रहा है विथ हाफ फुल लोड, तो इट वुड बी डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन 2² × 5 आवर्स। सो दिस गिव्स अस टोटल कॉपर लॉसेज एज 0.72 kW। रिमेनिंग पार्ट में चूंकि आउटपुट पावर भी जीरो है, कॉपर लॉस भी जीरो है और आयरन लॉस को हमने इंक्लूड कर लिया है, तो अब हम ऑल डे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल आउटपुट पावर दैट वाज 65 kW डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉसेस 3.6 प्लस कॉपर लॉसेस दैट इज 0.72। सो दिस गिव्स अस ऑल डे एफिशिएंसी इन परसेंटेज एज 93.5
0.76%. This has to be multiplied by 100 to get it into percentage. So this way we calculated all day efficiency for this lighting transformer, जिसके साथ हमें load conditions दी हुई है.